रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात का 107वां एपिसोड जारी किया। इस एपिसोड के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को एक बार फिर वोकल फॉर लोकल के फायदे गिनाए। उन्होंने आतंकवाद पर भी चर्चा की और 26/11 के दिन को याद किया। उन्होंने कहा कि 26/11 को भारत को गहरे जख्म मिले थे, लेकिन हमें खुशी है कि हम अब आतंकवाद से लड़कर धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री के मन की बात का ये एपिसोड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों ने सुना। इस एपिसोड के बारे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी मीडिया से चर्चा की और कहा कि इस एपिसोड के माध्यम से देश के कई लोग प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अंदर 107वें एपिसोड में आज संविधान दिवस की पूरे देशवासियों को बधाई दी है। और आज का दिन वो दिन है जब भारत के अंदर आतंकवाद ने मुंबई के हमले से जिस प्रकार से आक्रमण किया था, आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत की सामर्थ्य है कि आज भारत से आतंकवाद समाप्त हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है कि दिवाली के और इस त्योहारों के अवसर पर वोकल फॉर लोकल के उत्पादकों का एक चलन बढ़ा है और लोगों के व्यवहार में जो आया है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के कारण, आज हमें गर्व है कि 4,00,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस और लोग ये देखते हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया लिखा है कि नहीं लिखा है, इस देश का, इस प्रोडक्ट का उत्पादक देश कौन सा है, ये भी लोग अब देखने लगे हैं। ये भारत की उपलब्धि है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो एक नया चलन शुरू हुआ है कि यहाँ से लोग विदेशों में जाकर के शादी वेडिंग डेस्टिनेशन जो करने का प्रयास करते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन के भाव के साथ अपील की है कि अपने ही देश में, अपनी ही संस्कृति में, अपनी मातृभूमि में हम इस प्रकार के आयोजन करें। तो मैं तो अपील करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि इसको पूरा देश स्वीकार करता ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं जनता उसे मानती है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जरूर लोग अपने मन के अंदर स्वीकारोक्ति देंगे ही। साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी आने वाले शादी के अवसरों पर एक और आह्वान किया है कि लोकल के उत्पादक बने हुए कपड़ों से लेकर के सामग्री अपने देश के द्वारा बनी हुई लोगों की लोग उपयोग करेंगे, तो इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के अभियान के बारे में कहा है, कई नौजवानों के जिन्होंने विशेष प्रकार के काम किए हैं उनका भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अंदर कहा है। तो इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 107वें एपिसोड पर कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने किया। भोपाल के कार्यक्रम में मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी की मन की बात की हमारी टीम को कि दिव्यांग बच्चे आज इस मन की बात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुन रहे थे और उनको इंटरप्रेटर व्यवस्था करके क्या उन्हें उनके जो मूक बधिर हमारे बच्चे हैं, दिव्यांग भाई हैं, उनको इंटरप्रेटर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी मन की बात के अंदर क्या कह रहे हैं, एक विशेष प्रयोग आज भोपाल के हमारी यूनिट ने किया। मैं भोपाल के सभी हमारी टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूं।